और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ व्हाट्सएप के टिप एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप किसी का भी अपने फ्रेंड का व्हाट्सएप या फिर अपने गर्लफ्रेंड का फ्रेंड का किसी का भी व्हाट्सएप चेक करना चाहते हैं, उसको बताना नहीं चाहते आप कि भाई मैं आपका व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, आप उसका व्हाट्सएप अपने फ़ोन में कैसे चला सकते हैं, उसके व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस वगैरह कैसे पढ़ सकते हैं, उनको कैसे चेक कर सकते हैं, उस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखते जाइए और इस टिक्स को देखिए आप कैसे मैं इसमें यूज़ करता हूँ और कैसे आपको आप इसमें किसी भी फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी दो फ़ोन है, ये आप मान इसको इस वाले फ़ोन को मान लेते हैं, ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, बेशक है ये मेरा अभी, एक बार मान लेते हैं ये आपके किसी भी फ्रेंड का फ़ोन है जिसका कि आप इसका व्हाट्सएप अपने फ़ोन में चेक करना चाहते हैं, ये आपका पर्सनल फ़ोन है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इसमें प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिर्फ एक ऐप सर्च करनी है, ऐप का नाम है इसमें व्हाट स्कैन। जैसे आप इसमें व्हाट स्कैन सर्च करेंगे सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा व्हाट स्कैन फॉर व्हाट्सएप वेब, आप इसको ओपन कर लीजिए और इस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है ना कि दोस्त के फ़ोन में, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए इस ऐप को, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे QR कोड ओपन होकर आएगा, एक ये आ गया QR कोड। अब आपको अपने फ्रेंड का व्हाट्सएप चेक करना है तो आप बस उससे एक मिनट के लिए फ़ोन मांग लीजिए। और ये आपको यूज़ कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, ये व्हाट्सएप है और इस व्हाट्सएप इसकी ये वाला व्हाट्सएप आपको चेक करना है अपने फ़ोन में, ये आपके दोस्त का व्हाट्सएप है। तो यहाँ पे ये आप देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर से तीसरे नंबर पे और नीचे से चौथे नंबर पे व्हाट्सएप वेब, आपको इस पर ओके करना है। सॉरी इसमें कनेक्ट नहीं, अभी नेटवर्क नहीं चल रहा इंटरनेट, मैं इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसमें इंटरनेट अपने फ़ोन का ही कनेक्ट कर देता हूँ। नेट कनेक्ट हो गया है इसमें और आप में मैंने आपको बताया था अभी आपको ये जो व्हाट्सएप चेक करना है अपने फ़ोन में, आपके फ्रेंड का फ़ोन है, इसमें से आपको व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे सेटिंग का ये जो बटन आता है ज़रा सा, जिसमें सारे ऑप्शन आते हैं सेटिंग वाले, आपने इस पर ओके करना है। ऊपर से तीसरे नंबर पर इसमें लिखा हुआ है व्हाट्सएप वेब, आपको व्हाट्सएप वेब पर ओके करना है। व्हाट्सएप वेब पर जैसे ही आप ओके करेंगे और आप अपने फ़ोन में ये जो आपने भी ऐप्स इंस्टॉल करी थी व्हाट स्कैन, आप इसको ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे एक QR कोड आएगा और आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है दोस्त के फ़ोन से। जैसे ही आप स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक ये देखेंगे आप, इस फ़ोन में पता नहीं पड़ेगा इस फ़ोन में कुछ भी नहीं हुआ है और आपके फ़ोन में इसका सारा व्हाट्सएप आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका व्हाट्सएप आ गया है, जो भी बात हुई है इसमें सारा कुछ आ गया है, आप इसमें देख सकते हैं भाई इसमें कितनी बात हुई थी, किस किस से कब बात हुई थी, आप इसमें सारा कुछ चेक कर सकते हैं। जैसे अभी ये मेरा ही व्हाट्सएप चल रहा है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त इस नंबर पे व्हाट्सएप करता है, कुछ भी मैसेज लिख के करता है, A to Z कुछ भी लिख देते हैं और सेंड कर दिया, अब ये तुरंत आपके पास आ जाएगा यहाँ पे और आपको इसमें पता पड़ जाएगा। जैसे ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया है और जैसे आप देखेंगे इसका तो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ भाई इसने मैसेज भेजा है या फिर आपने मैसेज भेजा है, बिल्कुल आपके इसमें दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से आप ये तरीका अपना कर आप आराम से किसी का भी व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं। जब भी आप अपने दोस्त के पास फ्रेंड के पास या गर्लफ्रेंड के पास होंगे तो उसके व्हाट्सएप आप हमेशा चेक कर पाएंगे, उसने किससे बात करी, क्या बात करी, क्या नहीं, आप उस हमेशा चेक कर पाएंगे, उसको पता भी नहीं पड़ेगा ना ही उसको लगेगा भी मेरा व्हाट्सएप तो हैक हुआ या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ उसको पता नहीं पड़ेगा और आप आराम से उसके व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के टिप ट्रिक्स
आपको फ़ोन के अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह देता रहता हूँ अपनी वीडियो पर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।